वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले, उस वीडियो को सुनने से पहले या देखने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उसका पता लग सके कि आज नया वीडियो आ चुका है इस कानून की आवाज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे तलाक लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और तलाक लेने से पहले किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों तलाक लेने के क्या क्या ग्राउंड है, क्या क्या नहीं है, सारी चीजें कैसे होती है और तलाक किस प्रकार से आपको मिल सकता है। दोस्तों तलाक एक तो 13 भी होती है, जो आपसे समझौतों से ये सामान जैसे बिठा के मेल बैठ के कोर्ट में 13 भी पेश करके तलाक लिया जा सकता है। एक होता है 13, सेक्शन 13 में तलाक किस प्रकार से लिया जा सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, सारी चीजें आपको देखते रहिए। दोस्तों मान लो किसी लड़के ने पत्नी से तलाक लेना है तो वो क्या कर रहेगा, किस प्रकार से उसको, किस बेसिस पे उसको तलाक मिलेगा, इस वीडियो में आप जानोगे। दोस्तों मान लो किसी लड़के ने लड़की से तलाक लेना चाहता है तो उसको क्या ग्राउंड्स बताना पड़ेगा, क्या ग्राउंड्स नहीं बताना पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने उसकी पत्नी साल या 1.5 साल से ससुराल नहीं आ रही या मायके बैठी है तो उस बेसिस पे भी आप तलाक लगा सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे ग्राउंड होने चाहिए, जिस प्रकार से वो अपने माता पिता को देखभाल नहीं करती, खाना बना के नहीं देती, आपको खाना बना के नहीं देती, आपके साथ क्रूरता करती है और आपको ये कहती है कि आप इन माता पिता से अलग रहिए, उस सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट आपको तलाक दे सकता है, लेकिन ये आपको साबित करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे नहीं ले सकते तलाक की आपने प्रार्थना पत्र कर दिया तलाक कोर्ट तलाक दे देगी, ये सारी चीजें में ऐसे नहीं होता। आपको सारी चीजें बताना पड़ेगा, कोर्ट को ग्राउंड देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, आपसे क्रूरता करती है, आपको खाना बना के नहीं देती, आपके साथ मारपीट करती है, आपके माता पिता के साथ मारपीट करती है और वो जिद करती है कि आप अपने माता पिता से अलग रहिए, तो आप ऐसे ग्राउंड्स आपको बताना पड़ेगा कोर्ट में। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको अपने आसपास के पड़ोसी हैं उनसे एविडेंस करवानी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि वास्तव में ये चीजें ये होती है कि ये पत्नी इनको माता पिता को खाना नहीं देती, इनसे मारपीट करती है और इनके पति को अलग रहने की जिद करती है। ऐसे एफिडेविट ये गवाही आपको कोर्ट में करानी पड़ेगी दोस्तों। उसके साथ साथ अपने माता पिता की गवाही भी करानी पड़ेगी, हाँ मेरे साथ ऐसा करती है। उसी के साथ साथ ये सारी चीजें कोर्ट में फेस करना पड़ेगा एविडेंस के तौर पर, उसी बात को लेकर आपको तलाक मिलने के चांस है, उसी बात को लेकर आपको तलाक मिल सकते है। उसी प्रकार लड़की भी उसी तरह तलाक ले सकती है, जिस प्रकार लड़का ले सकता है उसी तरह लड़की भी ले सकती है दोस्तों। उसी के साथ साथ आपको यह भी कहना पड़ेगा तलाक लेने के ग्राउंड्स में, यह कहना पड़ेगा कि मैं इनसे तंग आ चुका हूं, ये मुझे बार बार परेशान करती है, जिद करती है कि यहां से चलो आप वहां दूसरी जगह रहो, माता पिता को छोड़ के रहो। ये सारी चीजें आपको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर शपथ पत्र पेश करके, जिसका एविडेंस कराना चाहते हैं उसका शपथ पत्र पेश करके आपको एविडेंस कराना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर आपने ऑलरेडी सेक्शन 9 का दावा कर रखा है तो आपके प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट सेक्शन 9 का। अगर ऑलरेडी आपने सेक्शन 9 का दावा डिग्री करा रखा है, उसमें आपने लाने के लिए कर रखा है, लेकिन लड़की वहां मना कर रही है, जवाब में मना कर रही है, आने के लिए मना कर रही है, तो आपके प्लस पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको तलाक ले मिल सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 में आप ये कहके आ रहे हो कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आने से मना कर रही है। उसमें दोस्तों जैसे आप फाइल करोगे सेक्शन 9 का, तो उसमें लड़की की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा कि आप रहना चाहते हो नहीं, तो लड़की अगर उसमें जवाब में ये मना करती है कि मैं यहां नहीं रहना चाहती, तो आपको ये एक और प्लस पॉइंट तलाक लेने का अच्छा तरीका है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मुसीबत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कानून की जो आवाज यूट्यूब चैनल उसमें कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।